हेलो स्टूडेंट्स, तो यार बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया आईआईटी का सिलेबस बताओ। साइस्टा ऐप में भी जाके आप सपोर्ट टीम से पूछे जाते थे कि आईआईटी का इस साल का सिलेबस क्या है। तो यार इस साल का सिलेबस तो अभी आईआईटी ने डिक्लेयर ही नहीं किया है। हाँ, मुझे पता है आपके कुछ भैया दीदी ने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिया है आईआईटी का क्या सिलेबस होगा, लेकिन टेक्निकली तो इस साल का भी सिलेबस डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन आपका राउंड 24 का तो आईआईटी का सिलेबस अवेलेबल है ही, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें आईआईटी ने मेजर चेंजेस कुछ किए थे। हम 2023 तक, और हमारे ज़माने में, हम लोग यार पुराने ज़माने के ही हैं, हमारे ज़माने में ओल्ड एनसीईआरटी चला करती थी। आप लोगों पे गवर्नमेंट ने कृपा करके एनसीईआरटी में काट पीट मार के सिलेबस को और छोटा कर दिया है। तो अभी एनसीईआरटी ने सिलेबस छोटा किया, तो आईआईटी ने भी सोचा कि आपके लिए सिलेबस छोटा कर दें, थोड़ा कम कर दें। तो उन्होंने भी रेस्टलाइज सिलेबस आपके लिए लेके आया, और अपनी वेबसाइट पे आईआईटी लिखता है कि वी फॉलो ब्रॉडली द रेस्टलाइज सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, उन्होंने ब्रॉडली लिखा है। वो इसलिए ऐसा लिखते हैं ना कि थोड़ा बहुत इधर उधर से कोई क्वेश्चन पूछ भी ले तो आप जाके कंप्लेन ना करो, उनको फंसा ना दो कि आपने तो बोला था कि केवल रेस्टलाइज फॉलो करेंगे, लेकिन आपने तो बिना रेस्टलाइज सिलेबस वाले भी क्वेश्चन डाल दिए। तो ऑल दो ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं था, नेस्ट ने ऐसी बदमाशी की थी। नेस्ट ने कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ रेशनलाइज सिलेबस ही पूछे थे। तो हम आपके लिए एक नेस्ट का भी डिटेल वीडियो सिलेबस का लेके आएंगे, लेकिन अभी चलो बात कर लेते आईआईटी 2025 का सिलेबस क्या होगा। तो मेरा नाम है अखिल त्रिपाठी, आई एम ए नाइजर एलुमनस, और हम आज बात करेंगे आपके आईआईटी 2025 में आने वाले प्रोबेबल सिलेबस की। IIT 2025 का जो एग्ज़ाम होगा वो एक्सपेक्टेड है कि 2024 की तरह ही 240 मार्क्स का होगा, और इसमें चार सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। तो आपको पता है होगा कि IIT एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज मिलता है, और अगर आप बायो वाले बैकग्राउंड के नहीं भी हो या आप मैथ वाले बैकग्राउंड के भी नहीं हो, कहीं भी आपको चारों सब्जेक्ट अगर आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपको एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आपका जो टॉप के आइजर आईसी बेंगलोर की कट ऑफ्स होती है ना, वो 210 मार्क्स आपको चाहिए आईसी बेंगलोर में एडमिशन के लिए। आइजर पुणे में जाने के लिए आपको 160 मार्क्स के अराउंड चाहिए होता है, और ये सब कट ऑफ का भी आपको अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए ना, तो आप हमारी इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो। तो आप अगर आईआईटी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो तो आपको -1 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हो, छोड़ देते हो, तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, और हर सब्जेक्ट में आपके 15 क्वेश्चन होते हैं। तो ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं डिटेल में आईआईटी 2025 के एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में, और हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे प्यारे सब्जेक्ट और आप लोग के भी बायो वाले बैकग्राउंड के चहेतों का सबसे प्यारा सब्जेक्ट बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी ने कुछ बड़े कटपिट किए थे इस साल रेशनलाइज सिलेबस में। हमारे ज़माने में जहां प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर आया करते थे, उन्होंने कट करके 3 चैप्टर कर दिए। हम मिनरल न्यूट्रिशन में मिनरल्स का नाम याद किया करते थे, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके ऐसे चेंजेस बायोलॉजी में हो रखे हैं। आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ये सारे मेजर यूनिट्स आ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में हम आपको डाउनलोड लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ से ये सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हो। और आपको एक स्पेशल सरप्राइज ही बता देता हूँ, नॉन बायो के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स का हम एक सीरीज आपके फेवरेट और बायोलॉजी के लेजेंडरी मेंटर आकाश भैया के साथ हम आपके लिए एक पूरी की पूरी सीरीज यूट्यूब पे फ्री में लाने का प्लान कर रहे हैं। बट वो हम तभी कर पाएंगे जब आप कमेंट्स में अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हो। तो जब तक वो सीरीज आ रही है, तब तक मैं भी यार बायोलॉजी बैकग्राउंड का हूँ, थोड़ा बता देता हूँ तुमको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कहाँ से आप अगर आप डिटेल में नहीं भी करते हो, कुछ चैप्टर्स ही कर लेते हो, जैसे इंपॉर्टेंट वाले जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इकोलॉजी और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन,
ये वाला यूनिट यार आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं भी देता है तभी भी आपको जेनेटिक्स को समझने में आपको हेल्प करेगा। जेनेटिक्स बहुत बड़ा वेटेज रखता है और ये तीनों यूनिट को ही केवल कंबाइन कर दें तो आप 6 से 7 क्वेश्चन बायोलॉजी में सही कर सकते हो एक नॉन बायो वाले स्टूडेंट होते हुए भी। साइस्टा वाले बच्चे तो ये हमारा रिकॉर्ड रहा है कितने बच्चे मैथ को भूल जाते हैं और बायोलॉजी में 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक सही करके आ जाते हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन में। तो आप साइस्टा वाले बच्चे हो तो आप तो जानते ही हो, आप आकाश भैया से ऑलरेडी पढ़ रहे हो। तो जो बच्चे साइस्टा का पार्ट नहीं भी है वो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री। जैसे कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन, थर्मोडायनेमिक्स, ऑर्गेनिक में सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पे आपके मेजर कटपिट इस बार हुआ है, आपका पूरा का पूरा पी ब्लॉक का सफाया हो गया यार। मुझे याद है बोर्ड के टाइम पे कितना याद किए थे यार, एनसीईआरटी में भाई कितना मोटा सा पूरा का पूरा पी ब्लॉक होता था। आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है यार, मज़े ही मज़े हैं आपके। तो आपका पूरा का पूरा पी ब्लॉक गायब हो गया है, एस ब्लॉक गायब हो गया है। आपको केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जाना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके जाना है, आपके बहुत हाई वेटेज वाले चैप्टर्स होने वाले हैं। और यहाँ रेसलाइज सिलेबस से कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया और 2024 के आपके IIT के पेपर में भी सारे के सारे क्वेश्चंस हमने आपके केमिस्ट्री मेंटर से भी वेरीफाई किया है, सारे के सारे क्वेश्चन रेसलाइज सिलेबस से ही आए थे। तो आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही सिलेबस बस फॉलो करना है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आते हैं मैथमेटिक्स में। आपको मैथमेटिक्स में एक चीज़ स्पेशल ध्यान देनी है, आपको जो NCERT का रेसलाइज सिलेबस है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके जाना है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक जो डिलीटेड सिलेबस से हैं उससे इस साल भी IIT 2025 में आ सकते हैं, जो कि ये रेसलाइज सिलेबस से लिंक्ड टॉपिक से हैं। तो यार हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, हम साइस्टा को फॉलो करते हैं। आपको ये सारे चैप्टर, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वेशंस, सेट्स एंड लॉजिक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये सारे यूनिट्स और इनके चैप्टर्स को अच्छे से देख के जाना है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपके मेजर यूनिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिक्स। तो आपका पूरा का पूरा रेसलाइज सिलेबस ही एज इट इज आता है और IIT 2024 के पेपर में भी सारे के सारे क्वेश्चंस हमने आपके फिजिक्स मेंटर जो कि IIT TVM से ही हैं उनसे अच्छे से वेरीफाई भी किया है। सारा का सारा क्वेश्चंस आपके IIT एग्जाम में यहीं से आए थे, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल रेसलाइज सिलेबस को ही अच्छे से फॉलो करिए और आप इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसका PDF हम आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा IIT 2024 का पेपर जो था ना वो IIT के हिस्ट्री का टफेस्ट पेपर था। उस पेपर की फिजिक्स आपकी JEE मेंस के लेवल से भी काफ़ी ऊपर थी। आप अगर करना चाहते हो वो पेपर, हमने साइस्टा ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको वो पेपर का PDF दे रखा है, आप उसको अटेम्प्ट करके खुद देखिए कि आपका पेपर कैसा था और आप अगर आज उस पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो आपके कितने नंबर आते हैं IIT 2024 के एग्जाम में। इतना टफ पेपर होने के बाद भी साइस्टा के 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आइजर में पहुँचे। हर एक साल आप ये फीडबैक ज़रूर देखोगे कि जैसा एक्चुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए वैसे ही साइस्टा वालों ने क्लासेस में, मॉक टेस्ट में वैसे क्वेश्चंस कराए थे। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पेपर आ जाए, अगर इजी आ गया तो बल्ले बल्ले तो है ही सबकी। तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हमारे जो मेंटर्स हैं, जो ये एग्ज़ाम्स के मॉक्स बनाते हैं, जो आपको क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, वो सेम इन्हीं आइजर नाइजर जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई किए हैं, उन्होंने इन्हीं प्रोफेसर से पढ़ा है जो ये एग्ज़ाम का पेपर सेट करते हैं।
तो अगर आपको अच्छे से IIT नेस्ट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, हमारे मेंटर्स का साथ अभी से लेके पूरा एग्ज़ाम तक चाहिए, तो आप हमारे ईयर लॉन्ग कोर्सेज को देख सकते हो। इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हिंदी इंग्लिश मिक्स के लिए विक्रम 2.0 बैच लाए हैं और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कलाम बैच लेके आए हैं। यहाँ पे आपको हमारा साथ अभी से लेके IIT एग्ज़ाम नेक्स्ट एग्ज़ाम तक काउंसलिंग और हर एक चीज़ में आपको हमारा सपोर्ट मिलेगा। आपको सारी की सारी साइस्ट्रा बुक्स की PDF से लेके लेक्चर रिकॉर्डिंग्स, आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट, सब कुछ इन कोर्सेज में मिल रहा होगा। और अगर आपको कोर्सेज नहीं पूरा चाहिए, आपको केवल मॉक टेस्ट ही बस अटेम्प्ट करना है, तो हमारी ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है ही, यहाँ पे आप ऑल इंडिया लेवल पे अपना असेसमेंट कर सकते हो आज ही, कि आप IIT का एग्ज़ाम में नेशनल लेवल पे साइस्ट्रा जो कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाला, वहाँ पे आप कहाँ स्टैंड करते हो। और आपको अगर बुक चाहिए, आपको वो हार्ड कॉपी वाला फील चाहिए, आपको वो पन्ने पलट के मार्क करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अच्छी लेवल की जो थ्योरी है अंडरलाइन करके समझना है, तो उसके लिए हमारी बुक्स हैं। यहाँ पे आपको हमारे बनाए हुए क्वेश्चंस चैप्टर वाइज PYQs हर एक सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। जीरो से लेके IIT एग्ज़ाम की जर्नी में ये हमारा पहला वीडियो था। आपको ISC बेंगलोर IJ जैसे इंस्टीट्यूशन में पहुंचाने का हमने जिम्मा ले रखा है, तो हम आगे भी और वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।